हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या? रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या? जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या? न्यूज क्लिक की इस खास पेशकश हमसे है जमाना में आप सबका स्वागत है। इश्क से रंगी हुई हैं फिजाएं, सड़कों से लेकर गली मोहल्ले, हर जगह पसरा हुआ है जुनूने इश्क। गर्म लहू सा धड़कता है इश्क रगों में। इस बार इश्क एक अलग दास्तां लिखने पर आमादा है। इश्क की सबसे बड़ी तस्वीर लिखी जा रही है शाहीन बाग में, खुरेजी में, चांद बाग में, जामा मस्जिद की पेचीदा गलियों में, पटना के सब्जी बाग में, लाल बाग में, लखनऊ के घंटाघर में, उजरियाओं में, और भी न जाने कहाँ कहाँ। इस मुल्क में जहाँ नज़र दौड़ाइए, वहाँ इश्क की एक अलग दास्तान दिखाई दे रही है, लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये इश्क कभी नज़मों में फूट रहा है, कभी गानों में लहरा रहा है, और कभी नारों में गूंजता है, ग्राफिटी में सजता है, पोस्टर में रंगीन हो रहा है इश्क। इश्क जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, लड़कियां लिख रही हैं शाहीन बाग की दीवारों पर। 30-40 फुट ऊंचे मकानों की जो दीवारें हैं, वहां पर स्केच बनाती हुई ये लड़कियां दरअसल मोहब्बत की नई इबारत लिख रही हैं। ये आंदोलन में पका, भीगा, गहराया हुआ इश्क है, जो कोई सीमा नहीं जानता, कोई सरहद नहीं मानता। गो कि इश्क तो पैदाइशी आजाद है, पैदाइशी बगावती। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालिब की ये जो पंक्तियां हैं, ये जो छोटा सा बंद है, पाकिस्तान की धरती पर बैठकर उन्होंने लिखा और आज पूरे भारत में फैल गया है। फैज ने यह नज्म पाकिस्तान में बेहद तकलीफ दौर दौर में लिखी थी। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। बस उससे एक कदम आगे बढ़कर चल रही हैं आज हमारी लड़कियां, महिलाएं। वतन को बचाने की लड़ाई में, वतन से मोहब्बत को नए मुकाम पर पहुंचा रही हैं सड़कों में बंद मुट्ठी के साथ बैठी ये औरतें। पहले की सारी तस्वीरें, सारे नोशंस, जितने भी परसेप्शन हमारे दिमागों में थे, सबको तोड़ते हुए वे बुलंद स्वर में कह रही हैं, मैं औरत हूं और इंकलाब हूं। फरा नकवी की ये नज्म कितनी बुलंद है, किस तरह से जो नई औरत है, जो सड़कों पे उतरी है, देश की राजनीति को बदल रही है, मुल्क से अपने प्रेम को दूसरे ढंग से डिफाइन कर रही है, इसके बारे में एक अलग ढंग की दास्तान कहती है ये नज्म। दरिया तो भर गई, मैं अब सैलाब हूँ, नजर घुमा मैं हर शहर का शाही बाग हूँ, दबा सकीना 100 तूफान मैं वो परवाज हूँ, दुआ के देख औरत हूँ और इंकलाब हूँ। हम यहाँ क्यों हैं, किस वास्ते ये जद्दोजहद, मेरे वतन को मुझसे छीनने की है आमद, मेरी आंखों में देख सुरमा है, तेवर है, सोना नहीं पहने लोहे के जेवर है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं इस ठंड में जो कांपते हैं, लिपट के रात के अंधेरे में मेरा सर ढांकते हैं। मेरा भी घर है, मेरा भी घर है जो कुछ दिन अकेला पड़ सा गया, पर अजीजों के मोहल्ले ने उसे थाम लिया। दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है कि लड़कियां और महिलाएं जो सुबह शाम एक करके सड़कों पर बैठी हुई हैं, किस तरह से इश्क और इंकलाब को अलग नजर से देख रही हैं। सुनिए उन्हीं की जबानी। जब इश्क और इंकलाब का अंजाम एक है, तो हीर बनने से बेहतर है भगत सिंह बन जाओ, रानी झांसी बन जाओ, बेगम हजरत महल बन जाओ। इस तरह की अनेकों नज़में, अनेकों कविताएं,
इस दौरान में लिखी गई, जो शाहीन बाग में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जिस तरह का प्रेम है, उससे प्रभावित हैं। ऐसी ही एक नज्म शोभा सिंह की है, जिन्होंने बहुत ही दूसरे ढंग से इस मोहब्बत को देखा है। आधी आबादी किस तरह से इस दुनिया को देख रही है, दुनिया की बदलने की जो कवायद है उसको देख रही है, इस बारे में सुनिए उनकी नज्म। यह बदलते दौर की जोरदार आहट है, जो जिंदगी को नए मायने पूरे अर्थ दे रही। आधी आबादी की शानदार आगाज की कहानी, सड़कों से उठ दुनिया के फलक पर नई पहचान बनाती। आज के विकट समय में दुनिया को बेहतर बनाने के सपने के साथ, यकीन की आवाज़ों में ढलती शांति और क्रांति का नया चेहरा, खुद मुख्तार, जामाज, समझदार, जंगली फूल सी सच्ची, सीधी सादी, निडर, जुल्म और नफरत के खिलाफ विरोध के पुरजोर स्वर, परिवर्तित होती भोर की नई उजास में, उनके बहे लहू आज आग बन दहक रहे हमारे दिलों में। आज हर तरफ शाहीन बाग, शाहीन बाग। डॉक्टर जरीन, जो पेशे से तो डॉक्टर हैं और शाहीन बाग वाले इलाके में लंबे समय से अपना क्लिनिक चलाती हैं, यहाँ आने वाली औरतों ने बताया कि किस तरह से अधिकांश के बच्चे इन्हीं की क्लिनिक में पैदा हुए, पले बढ़े, हारी बीमारी में वहाँ तक वो पहुँचती हैं। इस आंदोलन ने उनका जो कवि रूप है उसे सामने लाया। वे यहाँ पहुँचती हैं और अपनी कविता सबको सुनाती हैं। इंसान की एक आवाज
मकान का, जिस ख्वाब की अब तामीर करी, जिस ख्वाब की अब तामीर करी, वो ख्वाब हकीकत में बदलेंगी। अपने ऊपर एतमाद बहुत है, ये नारा पूरे शाहिद बाग का है। लखनऊ में हमारी मुलाकात हुई कवीश अजीज लेनिन से, जो बहुत ज़बरदस्त पत्रकार हैं, लेखिका हैं और नज़में लिखती हैं, और इनकी नज़्म इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, कहाँ कहाँ तक पहुँच गई, रवायतों को तोड़कर निकल पड़ी हैं बेटियाँ। तुम लगाओ हथकड़ी, तुम चलाओ लाठियाँ, अब मनाओ खैर, तुम निकल पड़ी हैं बेटियाँ। सियासतों की आड़ में जो जुल्म तुमने ढाए हैं, सियासतों की आड़ में जो जुल्म तुमने ढाए हैं, रवायतों को तोड़कर निकल पड़ी हैं बेटियाँ। न डर पुलिस का है इन्हें, न वर्दियों का खौफ है, तुम्हारे डर को रौंदने निकल पड़ी हैं बेटियाँ। मकान छीन लोगे तुम, दुकान छीन लोगे तुम, तुम्हारे डर को रौंदने निकल पड़ी हैं बेटियाँ। लिबास में ही ढूंढते रहोगे नाम धर्म तुम, लिबास में ही ढूंढते रहो नाम धर्म तुम, यहाँ तिरंगा ओढ़कर निकल पड़ी है बेटियाँ। लखनऊ के उजरियाओं में, जी हाँ, उजरियाओं गांव में जो धरना चल रहा है, वहाँ सुबह शाम औरतें बैठी हुई हैं। वहाँ हमारी मुलाकात हुई रुबीना अयाज से, जो खुद को पेशेवर पोएट बताती हैं, और उन्होंने बताया कि तमाम जगहों पे, अलग अलग मंचों पे वे जाके अपनी नज़में पढ़ती रही हैं। और उन्होंने जब ये नज़्म हमें सुनाई, जिस तरह से लोगों ने इसका स्वागत किया, जो वहाँ पे औरतें बैठी थी, जुबा कह रही है, लब कह रहे हैं, इंकलाब इंकलाब। जुबा कह रही है, ये लब कह रहे हैं, जुबा कह रही है, ये लब कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ, ये सब कह रहे हैं, नहीं डर किसी का जनाब, इंकलाब इनकलाब 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 इनकलाब। हमने और आपने देखा कि इश्क को नए रंग में रंग दिया है शाहीन बाग की शाहीनों ने। शाहीन का मतलब होता है बाज। ये औरतें बाज की फुर्ती और बाज की तेजी के साथ इश्क के पंख लगाकर परवाज भर रही हैं। वतन से इनकी उल्फत पर खबरदार, कोई उंगली मत उठाना, कोई सवाल ना करना। इश्क में डूबी औरत जब पलटती है तो सैलाब लाती है।